हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में हम लोग इंटरवल्स देख लिए थे और पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ भाई, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज में हमने क्या देखा था वो मैं बता देता हूँ तुमको। और का मतलब था, या हिंदी में का मतलब था मैथमेटिक्स में यूनियन, पर एंड थी दूसरी चीज, उसका मतलब था हिंदी में और मैथमेटिक्स में मतलब था इंटरसेक्शन। तो कहीं पे भी एंड वर्ड मिलेगा तो इंटरसेक्शन लेना, और वर्ड मिलेगा तो यूनियन लेना। ठीक है, हो सकता है तुमको मिले नहीं, हो सकता है खुद ही सोचना पड़े कि भाई और वाली फीलिंग आ रही है कि एंड वाली फीलिंग आ रही है, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं डायरेक्ट लिख के दूंगा कि एंड है कि और है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, याद होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स ही हैं। रिप्रेजेंट यूजिंग इंटरवल्स। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है, एक्स इज ग्रेटर देन टू एंड एक्स इज लेस देन सेवन, 2 से बड़ा और 7 से छोटा। तो इसको हमने ऐसे ही देखा था, याद होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख लेता हूँ, लेस देन 7, 2 से बड़ा 7 से छोटा। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ दोनों है, यहाँ पे है दोनों पार्ट। ऐसे ही बना बना के करोगे, x बिलोंग्स टू 2 पे क्लोज्ड है, 7 पे ओपन है। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, x is greater than 2 and x is greater than 7। पहले एंड वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 से भी बड़ा और 7 से भी बड़ा, 2 से बड़ा 7 से बड़ा। ठीक है, ऐसी जगह जहां दोनों लाइन आ रही है, यहां पे दोनों लाइन आ रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यार ये तो पूरा का पूरा 7 से बड़ा दिख रहा है, तो बोलेंगे x belongs to 7 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे करके माफ करना। थर्ड देखो, x is greater than 2 and x is less than minus 7, 2 से बड़ा और minus 7 से छोटा। तो ये हो गया तुम्हारा, 2 और minus 7 मार्क कर, minus 7 और 2 मार्क कर लिया। ठीक है, ये बोल रहा है 2 से बड़ा और ये बोल रहा है minus 7 से छोटा, दोनों पार्ट कहीं पे कॉमन है, नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे x belongs to y। तुम यार ये भी सोच सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तुम ये भी सोच सकते हो कि कोई भी चीज 2 से बड़ी भी होनी चाहिए और 7 माइनस 7 से छोटी भी होनी चाहिए। तो अगर 2 से बड़ी होगी तो फिर माइनस 7 से छोटी कैसे होगी, दोनों में से एक ही काम हो पाएगा। तो 2 से बड़ी भी होनी चाहिए, माइनस 7 से छोटी भी होनी चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया x belongs to y। ये क्लियर होगा तुमको। ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन है, एक और देख लो इसी में, x is less than 5 and x is less than 2, less than equal to, less than equal to, दोनों जगह लिख लेते हैं। 5 से भी छोटा, 2 से भी छोटा, 2 भी मार्क किया, 5 भी मार्क किया, 2 से छोटा इधर, 5 से छोटा इधर। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ दोनों लाइन्स आ रही है, यहाँ दोनों लाइन आ रही है, तो इसको लिखेंगे x belongs to माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 पे क्लोज्ड। ठीक है, क्लियर है ये सब। नेक्स्ट, जैसे आज क्या मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ाना था, लेकिन मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा के खत्म करूंगा आज का लेक्चर। फिफ्थ, अब अपने देखते हैं और वाला पार्ट, और का मतलब क्या होता है। तो और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो इस केस में हमको यूनियन लेना पड़ेगा। यूनियन मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी लाइन हो वो वाला पार्ट ले लेंगे। ठीक है ना, जहां पे कोई भी लाइन हो वो वाला पार्ट ले लेंगे। फिर से सुन लो, जहां पे कोई भी लाइन हो वो वाला पार्ट ले लेना, कोई भी दोनों में से कोई भी लाइन हो ले लेना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x is greater than 2 और x is greater than 7, ये और एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं ये ऐसे पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, 2 से बड़ा और ये बोल रहा है 7 से भी बड़ा। ठीक है,
तुमको याद होगा ए यूनियन बी में हम ए वाला पार्ट भी लेते थे, सिर्फ ए वाला पार्ट भी लेते थे, सिर्फ बी वाला पार्ट भी लेते थे, और अपने वो पार्ट भी लेते थे जहां पे दोनों आता है। तो हम ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन सेवन में ये वाला पार्ट भी लेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट भी लेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट भी लेंगे, जहां पे कोई भी लाइन आ रही है ले लो। तो ये पूरा पार्ट लेना है। तो अगर इस पूरे पार्ट को कोई बोलेगा लिखने के लिए तो तुम लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू, दो से बड़ा दिख रहा है ये, टू से इन्फिनिटी। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ, एक्स इज ग्रेटर देन टू और एक्स इज लेस देन सेवन, ठीक है, दो से बड़ा सात से छोटा, या दो से बड़ा सात से छोटा, ये आया। ठीक है, हम ये वाला पार्ट भी लेंगे, दोनों वाला पार्ट भी लेंगे, और ये वाला पार्ट भी लेंगे, क्योंकि जहाँ पे कोई भी लाइन है ले, तो ये तो पूरा का पूरा ही तो शेड कर दिया मैंने। तो या तो तुम लिख दो x belongs to real number, नहीं तो तुम लिख दो x belongs to minus infinity से इन्फिनिटी। क्लियर है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान है। ठीक है, एक दो सवाल और करवा रहा हूँ, हो जाएगा फिर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पूरा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है शायद, ठीक है, यही क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट रहता है, यही सीखना है अपने को। एक्स इज ग्रेटर देन टू और एक्स इज लेस देन माइनस सेवन, ठीक है, दो से बड़ा या माइनस सात से छोटा, माइनस सात दो, ये हो गया दो से बड़ा, ये हो गया माइनस सात से छोटा, और का मतलब वो पार्ट ले लेंगे जहां कोई भी लाइन आई हो, तो ये वाला पार्ट आया और ये वाला पार्ट आया, ठीक है, बीच वाला पार्ट नहीं है, इधर वाला पार्ट है, इधर वाला, इसको कैसे लिखें? ये इतना सा है फिर टूट गया, फिर इतना सा है, तो इसको लिखने का एक तरीका है, ठीक है, IIT में NCERT में यही मेंशन है, यही तुम सीख लो अच्छे से। इसको हम ऐसे लिखते हैं, x belongs to माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेवन यूनियन टू से इन्फिनिटी, ये तरीका है लिखने का, यही सीखना है अपने को, यही सबसे इम्पोर्टेंट भी है, टेंथ इसी के लिए पढ़ा है ये सब। एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ठीक है, इसको माफ करता हूँ, ये बोल रहा है दो से या दो या दो से छोटा, पांच या पांच से बड़ा, ठीक है, अगर मैं ये बात इसको लिखने बोलूँ तो तुम लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू पे क्लोज्ड यूनियन फाइव से इन्फिनिटी। क्लियर है? ठीक है ना, देखो बहुत अच्छा तरीका है ये करने का, मेरे को लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर दैन टू एंड एक्स इज लेस दैन माइनस टू, दो से बड़ा माइनस दो से छोटा, क्या लिखा है? एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब जहां दोनों, अरे यार सॉरी, यहाँ पे एंड लिख दिया था, इसको और कर लेना, एंड लिखा है जहां पे दोनों पार्ट कॉमन है, कहां पे दोनों पार्ट कॉमन? कहीं नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू फाइव। क्लियर है? ठीक है, तो इसको मैं यही छोड़ रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वोश्चन नहीं होते, फालतू है ये, ठीक है, इसको अप्लाई करना है अपने को, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, तो अभी जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, कल या परसों जो भी है, बेबीज कल, उसमें अपने को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, तो तुम लगा ही लोगे। एक नोट लिखा देता हूँ, ये शायद नोट भी तुम लोगों को शायद क्या पढ़े ही हो, इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। पहला, एक्स की पार ए इंटू एक्स की पार बी इज इक्वल टू एक्स की पार ए प्लस बी। सेकेंड, एक्स की पार ए अपॉन एक्स की पार बी इज इक्वल टू एक्स की पावर ए माइनस बी। याद होगा ये पावर्स ऐड होते हैं, इधर पावर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। थर्ड, ये एक्स का एंथ रूट है ये, तो इसको लिखते हैं एक्स की पावर वन बाय, अरे जैसे एग्जांपल इसको एक्स की पावर वन बाय टू लिख सकते हो, क्यूब रूट को एक्स की पावर वन बाय थ्री लिखते हो, सीधे वैसे ही एंथ को वन बाय एन लिखने का। फोर्थ, वन अपॉन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एन, ये मेरे को लगता है ये चार भी सीख लोगे, ये चार भी अगर अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है इतना।
अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्टिंग में तो आसान लगेंगे लेकिन उसको भी हार्ड बना दूंगा मैं, ठीक है? तो ठीक है, पॉलीनोमियल इनइक्वालिटीज हो गई, अब थोड़ा बहुत सर्ट्स पढ़ लेते हैं। देखो सर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इजी, उसके बाद एक दो हार्ड क्वेश्चन भी दूंगा। सवाल है सिंपलीफाई, ये थोड़े से ना बीच में ना भौंकने वगैरह की आवाज आएगी, एक कुत्ते की तबीयत ठीक नहीं है तो टेंशन मत लेना। ये है सवाल, सिंप्लीफाई करने बोल रहा, ठीक है? देखो करता हूँ, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की पावर 9 का 6th रूट है और ये 3rd रूट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे ही, लिख रहा हूँ 3rd रूट को, ए की पावर 9/6 और इसको मैं लिख सकता हूँ इतने पार्ट को, अगर मैंने इतने ही पार्ट को लिखा इधर भी इतने ही पार्ट को लिखना, ए की पावर 9/3 बताया था, एन रूट होता है तो 1/n पावर लगा देते हैं, ठीक है? फिर इसको लिख सकता हूँ, इसको ए की पावर 9/6 × 3 अरे 1/, ठीक है, की पावर 4। सिमिलरली ए की पावर 9/3 × 6 की पावर 4, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई में 9 × 4/18 पावर्स क्या होते हैं ऐड, ए की पावर 9 × 4 कितना होता है 36 36/18 + 36/18 दैट इज ए की पावर 2+2 दैट इज ए की पावर 4। हो गया, अरे खुद से करो, वीडियो पॉज करके करना चाहिए था खुद से। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से करो, बस दो ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके 5-6 टाइप के सवाल करेंगे। सेकेंड, 1/3 की पावर -10 × 27 की पावर -3 प्लस 1/5 की पावर -4 25 की पावर -2 प्लस 64 की पावर -1/9 की पावर -3, ठीक है? अब देखो ध्यान से इसको, यार ये 1/3 को क्या लिख सकते हो, जैसे अभी लिख के दिया था मैंने अपॉन x की पावर n को x की पावर -n लिखा था, तो 1/3 की पावर 1 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर -1 की पावर -10 27 की पावर -3 प्लस 1/5 को सिमिलरली 5 की पावर -1 और जो लिखा है -4 लिख दिया, वैसे 64 की पावर इसको भी ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलो अभी तो -1 × -10 = 10 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब फाइव की पावर -1 × -4 = 4 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 64 को इसका लिख लेते हैं, पहले तो 64 को ये इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, 64 की पावर -3 3/9 1/3, ठीक है? इसको लिख लिया 3 की पावर 10 3 की पावर -9 प्लस 5 की पावर 4 5 की पावर -4 तो 64 क्या होता है, 4 का क्यूब 1/3, ये हो गया। पावर्स क्या होते हैं ऐड, पावर्स क्या होंगे ऐड, 3 कट जाएगा 4 की पावर 1 3 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 3+1+4 8, ठीक है? ये पता है ना, anything की पावर 0 = 1 एनीथिंग में 0 मत रख देना, अब ये मत बोलना सर 0 की पावर 0 थे ना 1 होता है, ठीक है? मतलब कॉमन सेंस अपना लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये x की पावर 0 = 1 वेयर x ≠ 0, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? तो ये दो इजी क्वेश्चंस थे, अब एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, देखता हूँ बनता है क्या उसे।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हो। ठीक है, सिंपलीफाई, ध्यान से देखना, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले मेरा पूरा सोल्यूशन देखो, उसके बाद तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, फालतू चीजें मत करना कि अंडर रूट अलग अलग कर रहे हो, क्या कर सकते हो इसमें, कुछ नहीं कर सकते हो अभी। तुम अभी तुमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, शायद तो तुम पढ़े भी नहीं होगे। ठीक है, इसको करने के दो मेथड्स रहते हैं। मेथड वन जो है वो बहुत ही अच्छा मेथड है, सबके बस का नहीं है। ठीक है, सबके बस का नहीं है मतलब स्टार्टिंग में सबके बस का नहीं है, थोड़ा तो टाइम लगता है, उसके बाद कर ही लेते हैं। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ाया था मेथड वन में, ये दो फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, मेथड वन वही अच्छा सा मेथड है। देखो क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, देखना यार, ये टू थ्रू थ्री है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ, देखना, टू इंटू वन इंटू रूट थ्री। देखो ये टू ए बी टाइप का बना है, इसको टू रूट थ्री को लिखा है, टू इंटू वन इंटू रूट थ्री। ठीक है, टू ए बी टाइप का मतलब ए हो गया वन और बी हो गया रूट थ्री। अब मैं इसके यहाँ पे लिख रहा हूँ वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर। वन स्क्वायर कितना होता है, वन, रूट थ्री स्क्वायर कितना होता है, थ्री, तो वन प्लस थ्री इज फोर। तो एक्चुअली हमने फोर को ऐसे ब्रेक किया है, खुद ब खुद ब्रेक हो रहा है ऐसा। ठीक है, सिमिलरली इसको लिखा मैंने टू इंटू वन इंटू रूट थ्री, और फोर को लिखा मैंने वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर। देख लो सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है, टू रूट थ्री को टू रूट थ्री लिखा है, फोर को ऐसे ब्रेक किया, फोर को ऐसे ब्रेक किया, टू रूट थ्री को ऐसे लिखा है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखना रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसको लिखना रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर। कोई भी वन माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर नहीं लिखेगा, क्योंकि हम पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे। ठीक है ना, क्यों लिखेंगे बता रहा हूँ अभी, तो बस बड़ा और छोटा लिखो। तो ये हो गया रूट थ्री प्लस वन, ये हो गया रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन माइनस रूट थ्री प्लस वन, दैट इज टू। देखो इरेशनल, दो इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला हमको, टू मिला। समझ में आया, सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे सिंप्लीफाई हुआ ये। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है, ये सीखने में टाइम लगेगा। अब इसी को करने का मेरे पास एक जुगाड़ है, ठीक है, क्योंकि क्या मेरे को तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जमता यार, तो एक सिंपल सा जुगाड़ है मेरे पास, अगर वो कर पाओ तो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर आंसर इतना ही जल्दी देगा, ये कर लिया तो तुम बेस्ट है, पर जिनको नहीं जमाएगी एक बार में उनके लिए ये मेथड, दोनों साइड स्क्वायर कर लेने का। ठीक है, देखो उससे क्या होगा, होल स्क्वायर लिख दिए, स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इस अंडर रूट का स्क्वायर क्या आएगा, यही आएगा फोर प्लस टू रूट थ्री प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट कट के क्या आ जाएगा, माइनस टू ए बी, फोर प्लस टू रूट थ्री, फोर माइनस टू रूट थ्री। ये तो ये कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ से, फोर प्लस फोर एट माइनस टू अंडर रूट, इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, फोर प्लस टू रूट थ्री, फोर माइनस टू रूट थ्री। ये क्या हो गया, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू रूट थ्री का स्क्वायर इज बारह, सोलह माइनस बारह कितना होता है, चार का रूट दो, दो इंटू दो चार, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू टू, सेम आ गया। तो ये मेरे को, ये ऑब्वियसली बेटर मेथड है, ठीक है, पर अकल लगाने वाला है, ये कैलकुलेटिव मेथड है। ठीक है, कैलकुलेटिव मेथड, तुम आराम से ये वाला मेथड अप्लाई करो स्टार्टिंग में, अगर ये नहीं जम रहा है तो स्क्वेयरिंग करो, ये जम जाएगा। अपने को बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने जिसमें ये अप्लाई करना है, तब तक तो ये जम ही जाएगा। ठीक है, अभी के लिए तुम ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक और सेम सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है ना, और इसके ऊपर मैं डीपी भी भेजूंगा, वो भी करके दिखाना, एक और सवाल दे रहा हूँ करके दिखाओ। सवाल है x इज इक्वल टू, वीडियो पॉज करके खुद से करो, ठीक है, तो मैं मेथड वन, मेथड टू, वीडियो पॉज करो खुद से करो। मेथड वन देखो,
सिक्स रूट टू को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ टू इंटू थ्री इंटू रूट टू। देखो टू तो लगता ही है क्योंकि टू ए बी में टू होता है, ठीक है। थ्री ये देखो थ्री रूट टू है ना, ये ए हो गया ये बी हो गया, इसका मतलब थ्री का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस, ठीक है। सिमिलरली इधर मैं टू इंटू थ्री इंटू रूट टू, थ्री का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। ये देखो थ्री का स्क्वायर इज नाइन, रूट टू का स्क्वायर इज टू, नाइन प्लस टू इज इलेवन, ये हो गया थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, बड़ा पहले थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, थ्री प्लस रूट टू, थ्री माइनस रूट टू, साइन वाइन मिस्टेक मत करना, टू रूट टू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा दूसरा मेथड, ठीक है, जो मुझे पसंद है मेथड टू, यही मेथड टू है ना, मेरा खुद का निकाला हुआ है, क्योंकि मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जब मैं पढ़ता था तो नहीं जमती थी, कुछ ना कुछ तो लेकिन करना पड़ेगा ना, तो देखा तो स्क्वायरिंग करके काम हो गया, सीधा स्क्वायरिंग लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, उसको सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा मैं, 121 माइनस 72 आएगा, देख लेना 121 माइनस 72 कितना होता है, 50 होता है क्या शायद, कितना होता है यार, 121 माइनस 72 28, 49 होता है, 14 8 सेम आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जो भी अच्छा लगे करो, बस करो, एग्ज़ाम में भी आएगा सवाल, जो फ्राइडे को है उसमें भी आएगा, ठीक है ना, ये तो पूछूंगा ही मैं। एक और सवाल दे रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा सवाल है, देखो सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, 3 प्लस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री प्लस 7 प्लस रूट 48, ठीक है, इसमें स्क्वायरिंग वगैरह नहीं अप्लाई हो पाएगा, इसको कैसे करना पड़ेगा, इसको वैसे ही करना पड़ेगा जो मैंने अभी मेथड वन बताया, तो मैं इसको मेथड वन से कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये सिंप्लीफाई करूँगा फिर पढ़ता जाऊँगा, तो जैसे रूट 48 को ही देखूँ, पहले रूट 48 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो रूट 48 क्या होता है, 4 रूट 3 होता है, 4 रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, तो वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्रोकन से ही करता हूँ, 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस 7 प्लस रूट 48 को लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, देखो 2 ए बी, ए है 2 और बी है रूट 3, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 7 आता है, देखो टूट गया, अब अगर तुम चाहो ना तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या होता है, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, लिख देता हूँ, टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कटेगा क्या आएगा, थ्री प्लस रूट थ्री प्लस अंडर रूट, टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री फोर प्लस टू रूट थ्री, अब ये इसको फिर से ब्रेक करूंगा मैं, ब्रेक करते जाना पड़ेगा, टू रूट थ्री को लिखा मैंने टू इंटू वन इंटू रूट थ्री, ये सब हार्ड नहीं लगना चाहिए, अगर ये हार्ड लगेगा ना तो तुम बोर्ड का एग्जाम भी नहीं दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आईआईटी का इसलिए इतना हार्ड है, अरे बोर्ड में भी पूछते ही है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, करते करते सीख जाता आदमी, ये वही बार में तोड़ा है, बोल कम रहा हूँ लिख ही रहा हूँ अब मैं फटाफट, फोर प्लस
टू रूट थ्री, इसी को तो ब्रेक किया था अभी। रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर डेट इज रूट थ्री प्लस वन। यहाँ से देखो इतना सिंप्लीफाई हो गया, तो तुमको ऑप्शन में यही लिखा हुआ मिलता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आज के लेक्चर का समझ में आया होगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे वेवीज कर्व, जो तुम समझ लो खुद में ही एक चैप्टर है, पर मैं उसको फंडामेंटल्स में पढ़ाता हूँ क्योंकि नोट्स फिर अच्छे से बनते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल्स में पढ़ाने का फ़ायदा ये रहता है कि हम सारी चीज़ें उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेवीज कर्व पढ़ाऊँगा, बहुत लेंथी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जुगाड़ बेस्ड है और रटने वाली है। ठीक है, मतलब स्टेप्स है तो याद करने पड़ेंगे, समझाऊँगा भी लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, तो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले मैं एक डीपीपी भेजूंगा इससे रिलेटेड, वो कर लेना तुम लोग। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।